Hello students, I Vinesh. Welcome you to science class. Students, we are learning chapter number 11, that is force and energy. In previous videos, we have discussed about the simple machines and about the force. Now we will discuss about energy and its types. जो एनर्जी है सॉरी इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एनर्जी क्या होती है डे टू डे लाइफ में आप सुनते हैं, मींस पेरेंट्स भी अक्सर बोलते हैं कि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी, हाउ यू कैन डू वर्क, ठीक है कि काम कैसे कर पाएंगे आप. तो इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते रहते हैं. तो एनर्जी क्या है एक्चुअल में, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. काम करने की जो क्षमता है कैपेसिटी है वो क्या है, हमारी एनर्जी होती है. ठीक है, हम काम कर पाते हैं किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से. तो एनर्जी जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स की होती है, जैसे अलग अलग फॉर्म्स होती है एनर्जी की. फर्स्ट है मैकेनिकल फोर्स, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी. जो मैकेनिकल एनर्जी है ये हमारी मशीन्स या फिर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या उसकी पोजिशन की वजह से होती है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो तरह की होती है, एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसके मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. और अगर कोई फिक्स पोजिशन पर है तो उसके फिक्स मीन्स उसकी पोजिशन की वजह से द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नेक्स्ट है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी, सन का नाम आपने सुना है सभी ने, सन जो है हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, लाइट देता है ना. डे टाइम में हम किसकी वजह से देख पाते हैं, दिन में सन की वजह से. तो जो सन से हमें एनर्जी मिलती है, सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है वो कौन सी एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होती है. तो इस एनर्जी का यूज हम कहाँ करते हैं, टू कुक द फूड. सोलर पैनल्स जो होते हैं वो इसी पर रन करते हैं. इसके अलावा जो हमारे स्पेस सेक्टर के अंदर सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो भी सन से एनर्जी लेकर ही मूव कर पाते हैं, रिवॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटी, सॉरी अर्थ. हमारी अर्थ की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी. जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट. ठीक है, तो जैसे जो पानी निकलता है हमारी अर्थ के अंदर से, उसमें हमारी अर्थ में तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स या हम कहें कि हमेशा ही हीट जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब पानी हम निकालते हैं अर्थ के अंदर से तो उस वो कैसा होता है, वो स्टीम या फिर हम कहें कि हॉट होता है, गर्म होता है. तो किसकी वजह से होता है, इसी एनर्जी की वजह से वो गर्म होता है. ठीक है, नेक्स्ट है विंड एनर्जी. और ये जो जितने भी सोर्सेस हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे जो सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर है, ये सभी रिन्यूएबल है. रिन्यूएबल क्या होता है, जिनको हम अगेन एंड अगेन ले सकते हैं, कभी भी खत्म ना होने वाले सोर्सेस हैं. ठीक है, तो दीज आर द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट है एनर्जी, विंड एनर्जी जो हमें कहां से मिलती है, एयर से मिलती है. ठीक है, जो हवा की वजह से जो एनर्जी है इसके ऊपर या विंड की हेल्प से हम क्या रन कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय रनिंग द विंड मिल्स. ठीक है, और टर्बाइन्स. ठीक है, टर्बाइन्स को भी इनके बेसिस पर रन करा सकते हैं. नेक्स्ट है हाइड्रो पावर, जो पानी की वजह से जो एनर्जी होती है इसका भी यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं. तो जो वॉटर की एनर्जी होती है वो क्या है, हाइड्रो पावर एनर्जी, या हाइड्रो पावर कहेंगे, वॉटर एनर्जी. नेक्स्ट है हीट एनर्जी. हीट एनर्जी कैसे मिलती है हमें, जैसे आप गैस बर्नर को ऑन करते हैं तो वो क्या होता है, गैस जलना शुरू हो जाती है और उसका जो सराउंडिंग है, एटमोस्फियर है, वो कैसा हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. तो क्यों गर्म हो गया है भाई, इस हीट एनर्जी की वजह से. ठीक है, क्योंकि जो सराउंडिंग के पार्टिकल्स हैं उन्होंने क्या ले लिया है, इस हीट को वहां से, उस बर्नर के अंदर से जो गैस जल रही है वहां से वो हीट ट्रांसफर हो जाती है वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. तो इस तरीके से ये क्या है, हीट एनर्जी होती है, जो ज्यादातर किससे प्रोड्यूस होती है, हमें कहां से मिलती है, जो ईंधन होता है उसको जलाने से. ठीक है, नेक्स्ट है लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जैसे जो हमारी सन की एनर्जी है, बल्ब से जो एनर्जी हमें मिलती है वो है लाइट एनर्जी. नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी.
जब हम मींस हम बोल रहे हैं तो जो साउंड है उसको आप सुन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो एयर है उनके पार्टिकल टू पार्टिकल वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट करते हैं। इस तरीके से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं साउंड एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आजकल तो आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के मोशन की वजह से होती है। ठीक है, जो वायर्स होते हैं घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है उसमें क्या होता है, वायर्स को पूरे घर के अंदर सर्किट फॉर्म किया जाता है। ठीक है, आप 6 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से उन वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस चार्ज फ्लो करता है और उसकी वजह से जो एनर्जी फॉर्म हो रही है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे कि जो हमारे ट्यूबलाइट्स हैं, फैन है, या जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं घर के अंदर, टीवी है, फ्रिज है, ये सभी किस पे रन करते हैं, इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर रन करते हैं। अब लास्ट क्या आता है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा लॉ है जो ये कहता है कि जो एनर्जी होती है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है या फिर फॉर्म नहीं होती है, मतलब एनर्जी ना ही तो बनती है और ना ही खत्म होती है कभी भी, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट होती रहती है, बदलती रहती है। ठीक है, ट्रांसफर होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी चीज के अंदर जितनी एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है लेकिन वो खत्म नहीं होगी या फिर उसके अंदर और एडिशन नहीं होगा, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, वो क्या हो जाती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ इसका आपको कि जो हमारा सन है वो क्या देता है, हमें सोलर एनर्जी देता है। ठीक है, उस एनर्जी की वजह से जो हमारे एटमोस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं एयर के अंदर या फिर जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं, लिक्विड्स हैं, उनके वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाते हैं। मॉर्निंग में क्या होते हैं, सभी बहुत कूल होते हैं सारे पार्टिकल्स, लेकिन जैसे जैसे आफ्टरनून होता है वो सारी चीजें धीरे धीरे गर्म होनी शुरू हो जाती है, जो एटमोस्फेयर होता है हमारा वो भी गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी के अंदर। ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम कैसा महसूस कर पाते हैं, गर्म महसूस कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो होती है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको ना ही तो हम बना सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये खत्म होती है, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर बदलती रहती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारी फॉर्म समझ में आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी।